दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। जबलपुर से गुणायतन ट्रस्टी बच्चू जी और संगीता जी हमारे बीच उपस्थित हैं, ये भी आ जावे आज की मांगलिक क्रिया में। श्रीमान बच्चू जी और संगीता जी गुणायतन ट्रस्टी जबलपुर, और मैं सम्मान से सम्मानित करूंगा छुल्लक श्री शुभक शाह जी परिवार के माता पिता हमारे बीच उपस्थित हैं, वे आएंगे। परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए वृंदा का स्वभाव प्राप्त करेंगे, आइए। और आदर सागर जी परिवार के गृहस्थ अवस्था के जीजा जी, जीजी जी और भैया, ये सभी आएंगे। परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए गुरुवंदना का स्वभाव प्राप्त करेंगे, आइए। और मनीषी संधान सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के भ्राता मोनू जी काला हमारे बीच उपस्थित हैं, वे भी आएंगे। परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए गुरुवंदना का स्वभाव प्राप्त करेंगे। और मैं अभय प्रसाद स्पोर्ट्स और सोशल ग्रुप के साथियों को आमंत्रित करूंगा परम पूज मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने के लिए, आइए साहब। अभय प्रसाद क्लब और सोशल ग्रुप रिजन ये सभी आएंगे परम पूज मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और इनके साथ आमंत्रित करूंगा मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था की भावी श्रीमती संगीता शेट्टी हजारीबाग, शास्त्र भेंट करने के लिए बच्चू जी, संगीता जी गुणायतन ट्रस्टी जबलपुर, ये भी आ जाएं। श्रीमती संगीता जी शेट्टी हजारीबाग, भाई मोनू जी काला, मनीषी संदान सागर जी महाराज के ग्रस्त अवस्था की भ्राता, और सभी आ जाएं, एक साथ आ जाएं। जिन वाणी जग मैया जन में दुख मेट दो, जन में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया। और आइए सभी आ जावे, मैं आमंत्रित करूँ मनीश्री छुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज के ग्रस्त अवस्था के जीजा जी, जीजा जी और भ्राता सुनील जी, ये सभी आएंगे परम पूज मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और इसी क्रम में पात्र छानी में सम्मानी अभय प्रसाद स्पोर्ट्स क्लब और सोशल ग्रुप के पदाधिकारियों को आमंत्रित करूंगा, वे आए पात्र छान विधि संपन्न करेंगे। संगीता जी आप भी आ जावे। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। और आइए अभय प्रसाद स्पोर्ट्स क्लब के समस्त ट्रस्टी पदाधिकारी और सोशल ग्रुप के जो भी पदाधिकारी हैं, और आइए मैं आमंत्रित करूंगा मुनिवर संधार सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के भ्राता हजारीबाग से श्रीमती संगीता जी सेठी, और मुनि श्री आदर्श सागर जी महाराज के क्षमा करना छुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के जीजा जी, जीजी जी और भाई, ये सभी आएंगे। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदने गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। बोले परम पूज मनी श्री प्रमाण सागर जी महाराज के। और आइए अभय प्रसाद स्पोर्ट्स क्लब और सोशल ग्रुप रिजन द्वारा, और मैं आमंत्रित करूंगा छुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज के ग्रस्त अवस्था के परिवार के जो भी परिजन हैं, वे आएंगे। परम पूज मुनिवर की चरण वंदना पात्र चरण के रूप में करेंगे, आ जाएं, जल्दी जाएं। और श्रीमान बच्चूलाल जी, संगीता जी गुणायतन ट्रस्टी जबलपुर, ये भी आ जावे। चलिए साहब दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि गुरुराचरण श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचरण श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनि श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर के अभय प्रसाद से अभय प्रसाद स्पोर्ट क्लब्स और सोशल ग्रुप रिजन द्वारा आयोजित 15 अगस्त के पावन अवसर पर देश के नाम एक संदेश प्रसारित किया जाए, उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप और आदिनाथ चैनल के माध्यम से जो घर में बैठ के इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का
अभय प्रसाद स्पोर्ट्स क्लब और सोशल लीजेंड हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आइए चलते हैं, परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरु वंदना करेंगे, निवेदन करेंगे, मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन के लिए दोनों हाथ उठाएंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। नमो जय बोलो देवाधिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। जय जय अहिंसा परमो धर्म की जय। जय जय परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जय बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री संदान सागर जी, निर्वेक सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। आज स्वतंत्रता दिवस है, पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। व्यवस्थागत दृष्टि से एक लंबे संघर्ष के उपरांत आज देश को आज़ादी मिली। कहने को आज देश स्वतंत्र या आज़ाद कहलाता है, लेकिन स्वतंत्रता के 78 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी क्या हम आज़ादी के मूल उद्देश्य को पूरा कर पाए? गांधी जी ने स्वतंत्रता के अभियान को जब छेड़ा था तब उस समय एक लक्ष्य था,
स्वराज से सुराज तक का। स्वराज तो पा गए, सुराज कहाँ है? स्वराज पा गए पर सुराज कहाँ है? अगर देखा जाए तो कहने को देश कई स्तरों में आगे बढ़ा है। ऐसा कहा जाता है कि देश विश्व की पांचवीं आर्थिक शक्ति में अपना स्थान बना लिया, पर अन्य बातों को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि देश अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। अभी भी देश में गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, भ्रष्टाचार है, अपराध है। ये सब प्रवृत्तियां जहां बनी रहे वहां हम सुराज की क्या बात करें? जब तक ऐसी स्थितियां बनी रहेगी सुराज संस्थापित नहीं हो सकता। और सुराज को संस्थापित करने के लिए हमें अपने अंदर वह सब बातें फिर से उद्घाटित करने की जरूरत है जो जज्बात स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में हमारे अंदर रहती थी। एक बार यशपाल जैन, जो एक देश के बड़े प्रख्यात साहित्यकार थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, हमारे पास आए। उन्होंने एक बड़ी गहरी बात कही कि महाराज, जब आज़ादी की बात थी, हम लोग लड़ाई लड़ते थे तो हमें लगता है कि वह कर्म भूमि का युग था। आज़ादी के बाद का ये दौर है, ये भोग भूमि जैसा दिखाई पड़ता है। बात मुझे बहुत गहरी लगी कि उस दौर में हर किसी के हृदय में देशभक्ति और देश के प्रति बड़ा प्रगाढ़ समर्पण था। आज सब सुविधाओं का उपभोग तो करना चाहते हैं, पर देश के लिए जो कुछ भी अर्पित करना चाहिए उस तरफ उनकी दृष्टि नहीं होती। आज थोड़ी सी बात मैं इसी संदर्भ में आप सबसे करना चाहूँगा। एक बार गुरुदेव से किसी ने कहा, आज से लगभग 30 साल पहले, कि गुरुदेव, भारत अब विकासशील देशों में अग्रणी बनता जा रहा है, गुरुदेव ने कहा, भारत सीलवान बना रहे विकास तो अपने आप हो जाएगा। जो मूलभूत तत्व है उसकी तरफ हमारी दृष्टि अपेक्षित है, हमें उस तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाने की आवश्यकता है। आज के संदर्भ में मैं 4 बातें कहना चाहूँगा कि यदि देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए और इन 4 बातों को आत्मसात करना चाहिए। सबसे पहली बात है सांस्कृतिक निष्ठा का जागरण। आज यदि सबसे ज्यादा ह्रास किसी बात का हुआ है
तो सांस्कृतिक निष्ठा का हुआ। हमारे अंदर जो हमारी संस्कृति के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, जैसी प्रगाढ़ता हमारी निष्ठा में होनी चाहिए, वो आज नहीं। एक समय था जब इस देश के रहवासियों के लिए देश सर्वोपरि था, आज देश आखिरी में चला गया, व्यक्तिगत हित सर्वोपरि हो गया। इससे बहुत सारी चीजें हमारे हाथ से छिटक कर चले गई और देश के मूलभूत लक्ष्य से हम दूर हट गए। एक बात बहुत अच्छे से समझ लेने की है, केवल व्यवस्थागत आजादी का नाम, आजादी मात्र से हम सुराज स्थापित नहीं कर पाएंगे। जब तक हमारी मानसिकता देश के साथ नहीं जुड़ेगी, देश आगे नहीं बढ़ सकता। हर व्यक्ति के हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा होनी चाहिए, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने का भाव होना चाहिए। जब तक राष्ट्र हित सर्वोपरि है तो व्यक्ति व्यक्तिगत हितों को तिलांजलि देगा, तभी राष्ट्र को आगे बढ़ा पाएगा। लेकिन आजकल इन बातों में दिनों दिन कमी आते जा रही है और देश में निष्ठावान लोगों की जगह गद्दारों की संख्या बढ़ते जा रही है। अब निष्ठावान ईमानदार व्यक्ति को ढूंढना बड़ा कठिन सा होता जा रहा है। व्यवस्थाएं बहुत बदल गई। आज से 78 साल पहले जब देश पराधीन था, व्यवस्थाएं विदेशी हुकूमतों के हाथ में थी, परतंत्र थी, लेकिन उस काल में देश भले पराधीन था, हमारी चेतना स्वाधीन थी। भारत पराधीन था, चेतना स्वाधीन थी। आज भारत स्वाधीन है, चेतना पराधीन हो गई है। भारत आजाद कैसे हुआ? स्वाधीन चेतना के बदौलत। एक ब्रिटिश कंपनी थी, उस एक कंपनी के विरुद्ध भारत में आवाज उठी, लंबा संघर्ष हुआ, लेकिन उस सत्ता को अपना बोरिया बिस्तर उठाकर यहां से जाना पड़ा। आज सारा राज ही मल्टीनेशनल कंपनियों का है, है? और उन्होंने आपकी मानसिकता को किस तरह गुलाम बना दिया, आपको पता है? आप कहने को भारत की बात करते हो, पर भारत या भारतीयता को आगे बढ़ाने का कितना प्रयत्न करते हो, बोलिए। यदि आपके हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा होगी तो आपके प्रत्येक कार्य में भारत और भारतीयता के दर्शन होंगे। आज दिखते हैं आप अपसंस्कृतियों को बहुत सहजता से स्वीकार करते जा रहे हो
और उनको स्वीकार करने तक भी खतरा नहीं। तकलीफ तो तब है जब अपनी बात को आप छोड़ते जा रहे हो। आप संस्कृतियों को अपनाना और संस्कृति से विमुख होना विकृति का सबसे बड़ा उदाहरण है। जो व्यक्ति अपनी संस्कृति के प्रति निष्ठावान होते हैं वे कभी भी ऐसी बातों को स्वीकार ही नहीं कर पाते। किसी संत से किसी ने पूछा कि किसी भी राष्ट्र के लिए न्यूनतम कौन सी तीन बातें जरूरी है। कम से कम ऐसी कौन सी तीन बातें जरूरी है जो किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा स्थिरता के लिए आवश्यक है। तो उन्होंने कहा सेना, अनाज और आस्था। सेना, अनाज और आस्था। पूछा गया यदि इसमें से किसी एक की कमी हो, बोले सेना के अभाव में अनाज और आस्था से राष्ट्र चल जाए। और यदि दो की कमी है तो बोले सेना भी ना हो, अनाज भी नहीं हो, तो भी आस्था हो तो राष्ट्र चल जाएगा, और सब कुछ हो और आस्था नहीं तो राष्ट्र तहस नहस हो जाएगा। जिस समय देश परतंत्र था हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं थी। एक जमाने में खाद्यान्न की समस्या के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने यह भी कहा था कि सप्ताह में हमें एक दिन एक टाइम खाएं ताकि हमारे देश में अन्न का भार कम हो। ये स्वर किसके थे? ये सांस्कृतिक निष्ठा के थे। हमारा देश ऐसा देश है जहां घास की रोटी खा करके भी राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित राणा प्रताप जैसे महापुरुष हुए। ये किसके बल पर, ये शक्ति किसने दी? ये शक्ति हमारी निष्ठा की शक्ति है। अगर ऐसी निष्ठा है तो जीवन में सब कुछ है, और ये निष्ठा का भाव तो सब कुछ खत्म। अब कहाँ है सांस्कृतिक निष्ठा? सांस्कृतिक निष्ठा अगर आपके अंदर है तो आपका व्यवहार अलग दिखेगा। आपके अंदर देश प्रेम झलकेगा, आपके जीवन में ईमानदारी और सच्चाई दिखेगी। ये सब चीजें दिखती है क्या? निष्ठावान लोगों का घोर अभाव हो रहा है। एक आदमी को एक जिन्न ने परेशान कर रखा था। बहुत दिन से जिन परेशान करता था, वो कहता था हमको कोई काम बताओ। अब कोई भी काम बताए, घंटा भर आध घंटा में कर आया, फिर बोले कोई काम बताओ। घंटा आध घंटा में पूरा करे, फिर बोले काम बताओ। 24 घंटे आए, बोले काम बताओ, काम बताओ, काम बताओ। सामने वाला परेशान, काम बता बता के काम हो तब तो बताए। वो एक दिन अपने एक गुरु के पास गया और कहा ये जिन्न परेशान कर रहा, बोलता काम बताओ, काम बताओ, काम बताओ, आप कोई काम तो बताओ। तो उसने कहा एक काम कर, जाओ उससे बोलो कि किसी ईमानदार नेता को ढूंढ लाओ, किसी ईमानदार नेता को ढूंढ लाओ। कहते हैं अभी भी वो जिन्न ढूंढने गया है, लौट के नहीं आ पाए। ये कितना करारा व्यंग है। मानता हूं कि आज भी ईमानदार लोगों का अभाव नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं कितनी विचित्र बन रही है। हमें इस पर बहुत गहराई से मंथन करने की जरूरत है। देश की स्वतंत्रता में आजादी का जश्न मनाना मात्र पर्याप्त नहीं है, इसके साथ
जिनके हाथ में देश की व्यवस्थाएं हैं और देश के प्रत्येक नागरिक को थम कर चिंतन करने की आवश्यकता है कि आखिर हम हैं कहाँ और हमें कहाँ जाना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियाँ मेरे मानस में उभर रही है जो कभी उन्होंने कहा था भारत भारती में, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ सुझाए बैठ कर ये समस्याएं सभी। हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ सुझाए बैठ कर ये समस्याएं सभी। हमें अभी भी इस पर विचार करना है। तो सबसे पहली बात सांस्कृतिक निष्ठा का जागरण, चारों बातें मैं कर लूं और फिर जो मूल बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं आगे कहूंगा। पहली बात सांस्कृतिक निष्ठा का जागरण, दूसरी बात भारत और भारतीयता को प्रमुखता देने का भाव, तीसरी बात भारत को भारत का आदर्श बनाएं, और चौथी बात राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण। क्या बोला मैंने? इन चार बातों पर पूरे देश को चिंतन करने की आवश्यकता है। सांस्कृतिक निष्ठा का जागरण, भारत और भारतीयता को बढ़ावा, प्राचीन भारत को भारत का आदर्श बनाया जाए और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो। मैं समझता हूं ये चारों बातें यदि आज आम जनों में आ जाए तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक समय था जब भारत के बच्चे बच्चे के हृदय में ये चारों बातें कूट कूट कर भरी थी। उसके परिणाम स्वरूप भारत की संप्रभुता पूरे विश्व में अपनी अलग छाप छोड़ी थी। इन्हीं शक्तियों के कारण, इन्हीं गुणों के कारण भारत विश्व गुरु बन सका था और विश्व की अग्रणी आर्थिक शक्ति में अपना स्थान बना पाया था। इन्हीं सब के कारण भारत सोने की चिड़िया के रूप में जाना पहचाना जाता था। लेकिन इस पर कुछ लोगों की कुदृष्टि पड़ी और उन्होंने हमारी मूलभूत विरासत को समझा और उसे तोड़ने का सबसे पहला प्रयास किया। परिणाम हम सबके सामने, हमारी निष्ठा को खंडित करने के लिए उन्होंने हमारी भाषा पर, हमारी भूषा पर, हमारे भोजन पर और हमारे भैसज पर प्रहार किया और इसका आधार बनाया शिक्षा। सबसे पहले हमारी शिक्षा तंत्र को प्रभावित किया गया। आप सबको ये बात जानकारी में होगी, पूरे देश में व्हाट्सएप के माध्यम से घुमा कि ब्रिटिश संसद में 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना एक वक्तव्य दिया और उस वक्तव्य में उसने कहा कि मैंने भारत की चतुर्दिक यात्रा की है, वहां मुझे एक भी विकार, एक भी भूखा, एक भी भिखारी, एक भी भूखा बेरोजगार और एक भी चोर दिखाई नहीं पड़ा। ये लॉर्ड मैकाले का 1835 में ब्रिटिश संसद को दिए गए वक्तव्य का अंश है और उसमें उन्होंने लिखा कि इसका सबसे बड़ा जो आधार है
ओ भारतीयों की भारत के प्रति रहने वाली निष्ठा, जब तक इस निष्ठा को हम समाप्त नहीं करेंगे भारत में स्थायी रूप से राज नहीं कर सकते। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं और इस निष्ठा का मूल आधार है यहां की शिक्षा, और इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम इनकी शिक्षा नीति में परिवर्तन लाएं और ये और इनके दिल दिमाग में ये बात स्थापित कर दें कि जो कुछ इंग्लिश है वही सही है, और यदि ऐसा हमने कर दिया तो हम इनकी रीढ़ तोड़ देंगे, फिर हम इनसे वह सब करा सकेंगे जो हम चाहते हैं। और उनके इस प्रस्ताव पर विचार करके 1856 में अंग्रेजों ने भारत में प्रसिद्ध गुरुकुल प्रणाली को अवैध घोषित कर दिया। उस समय हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुलों में होती थी। भारत में साक्षरता 100% थी और वहाँ केवल किताबी और ज्ञान नहीं दिया जाता था, वहाँ केवल पोथियों को नहीं पढ़ाया जाता, वहाँ उनके जीवन का विज्ञान सिखाया जाता था और उन्हें कला गुणों में निष्णात किया जाता। शिक्षा निःशुल्क थी, हर गांव में जितने भी वहाँ के श्रेष्ठी जन होते थे, राजा लोग होते थे, वो शिक्षा की का अर्थभार स्वीकार करते थे। स्त्री पुरुष सब समानता से शिक्षा ग्रहण करते थे और ये व्यवस्था वहाँ लंबे समय तक चलती थी। हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार उसके कला और गुणों में निष्णात किया जाता था और पढ़ लिख जाने के बाद वो अपना और अपने परिवार का पेट पालने में समर्थ हो जाता था। अंग्रेजों ने देखा कि ऐसे तो इनको हम बदल नहीं पाएंगे, उनने शिक्षा की नीति बनाई, नई शिक्षा नीति आई, और उनको एक अदद आदमियों की जरूरत थी तो उनने बाबू बनाने वाला संस्थान खोल दिया विद्यालयों के नाम पर, कि यहाँ लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, हम इनको नौकरी देंगे, और आपको उनने नौकर बनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे आपकी मानसिकता को बदलना शुरू किया। 1856 से ये बदलाव की प्रक्रिया हुई और उसमें फिर उनने माध्यम भी अंग्रेजी शुरू कर दिया। आज उसका परिणाम है अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत छोड़ गए, तुम स्वाधीन हो गए, पर मानसिकता आज भी गुलाम बनी हुई है। निष्ठा खत्म, आगे कैसे बढ़ेंगे, बातें सब बड़ी बड़ी कर देते। अगर आपके हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा है तो जो बातें गुरुदेव कहते थे देश के संदर्भ में, उन चारों बातों को याद रखो। स्वदेशी, स्वभाषा, स्वरोजगार और स्वावलंबन को बढ़ावा दो। क्या बोला, किसको बढ़ावा देना है? स्वदेशी, स्वभाषा, स्वरोजगार और स्वावलंबन, इन्हें बढ़ावा देने की जरूरत है, इन्हें आगे बढ़ाइए। आप बातें स्वदेशी की करते हैं पर साथ विदेशियों का देते हैं। बोलो, आज प्रतिदिन आपके नित्य व्यवहार में आने वाली जितनी चीजें हैं उनमें स्वदेशी ज्यादा है या विदेशी? हाँ, अब बोलो, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं? अगर भारत में रहने वाला हर भारतीय केवल भारतीयता को प्रमुखता देने लगे तो भारत अपने आप शक्तिमान बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। सुबह उठते हो
मंजन किससे करते हो? स्नान करते हो? साबुन कौन सा वापरते हो? शेविंग करते हो? शेविंग क्रीम कहाँ की आती है? तेल लगाते हो? तेल कहाँ की होती है? कपड़े पहनते हो? कौन सी कंपनी की होती है? मुझे तो तब बड़ा अटपटा सा लगता है जब आजकल के जो पढ़े लिखे कहलाने वाले नौजवान हैं ना, उनकी टी शर्ट देखता हूँ, उसमें लिखा रहता US पोलो, लंदन, न्यूयॉर्क। हमने कहा एक गधे कहाँ से आ गए? बता, तुम पढ़े लिखे हो, भारत में रह रहे हो और भारत के अन्न खा रहे हो, यहाँ का पानी पी रहे हो, यहाँ के हवा में जिंदा हो और प्रचार किसका कर रहे हो? एक दिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, बहुत सुंदर टी शर्ट पहना हुआ था, उसमें लिखा था लंदन। हमने इसे पूछा, भाई ये टी शर्ट कहाँ से लाया? बोले यही मार्केट से खरीद। अच्छा, तो कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी के माध्यम से खरीदा क्या? नहीं महाराज, मार्केट से खरीदा है, कोई ने गिफ्ट नहीं दिया, बहुत महंगी है महाराज, ब्रांडेड है। बोले भैया ये बात बताओ, तुम पैसे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और किसी का ऐड करने का कुछ पैसा मिलता है कि पैसा दिया जाता है? झेपसी हुई उसको, क्या कह रहा? देखा, बोले तुम कर क्या रहे हो? लंदन लिखा टी शर्ट पहनने में तुम गर्व का अनुभव कर रहे हो और अपने आप को भारतीय कह रहे हो, धिक्कार है तुम्हारे लिए। वो हिल गया, बोला महाराज मैंने तो कभी सोचा ही नहीं, खरीदते समय देखा पसंद आई ले लिया। हम बोले यही तो कमी है, क्या अच्छा होता जब हम ऐसी चीजों का लेना ही बंद कर देते और बेचने वालों से कहते कि भैया भारत में लंदन नहीं चलेगा, भारत में US पोलो नहीं चलेगा, भारत में तो केवल भारत चलेगा क्योंकि हम भारतीय हैं। हो सकता है एकाध सभा में भी कोई ऐसे महानुभाव बैठे हों। बोलो बॉस, US पोलो, दिस इज ब्रांड। भैया ब्रांड ब्रांड के चक्कर में मत रहो, एक बात ध्यान रखना, सबका ब्रांड होगा पर मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक कफन का कोई ब्रांड नहीं निकला। निकला है क्या? हो सकता है निकल जाए। हाँ हाँ, कफन की तैयारी की प्लानिंग होती है, धीरे धीरे हो जाएगा। क्या सोच है? बात छोटी सी है लेकिन सोच गहरी है। यदि आपकी रगों में भारत बसेगा ना, तो आपको कोई करोड़ों दे के भी ऐसा टी शर्ट पहनाना पसंद करेगा तो आप उसको हाथ जोड़ लोगे, भैया ये हमें नहीं चाहिए। पर पढ़े लिखे होने के बाद बल्कि उसको पहनने में शान, ये क्या फील है? आज जितने लोग यहां बैठे हैं तय कर ले, आज से जितने लोग घरों में सुन रहे वो तय कर ले कि आज के बाद हम ऐसे किसी भी परिधान को नहीं खरीदेंगे जिसमें विदेशों का नाम लिखा हो। तैयार है आप लोग? उठाइए हाथ, सब लोग हाथ उठा, कुछ लोग हाथ नहीं उठ रहे, ये तो कुछ कुछ हाथ क्यों नीचे है भैया? नहीं खरीदेंगे, और जो बेचने वाला होगा उसको बोलेंगे तुम्हारा हम नहीं खरीदेंगे, और अभी तक जो लिया है उसको नहीं पहनेंगे। चलेगा महाराज? 20,000 का टी शर्ट है, क्या करेंगे? जाने दो कूड़े में, होली जला दो उनकी। आज़ादी की लड़ाई के टाइम में विदेशी वस्त्रों की कितनी होली जली है पता है? क्या नहीं कर सकते? मानसिकता सही बनाइए, सोच को बड़ी बनाइए, तभी सुपरिणाम आएंगे। स्वदेशी को प्रमुखता दीजिए,
जिन उत्पादों का स्वदेशी विकल्प है थोड़ा महंगा भी हो तो उसे ही लीजिए। भारत सरकार ने अभी एक योजना बनाई मेक इन इंडिया, हालांकि उसमें इंडिया लगा दिया तो अपना दिमाग पलट गया, मेक इन भारत करते तो ज़्यादा अच्छा था, और हिंदी में ही बोलते तो भारत निर्मित बना देते तो और अच्छा था। स्वदेशी को बढ़ावा देने का संकल्प मन में लीजिए, इससे आपकी सांस्कृतिक निष्ठा और राष्ट्र प्रेम दिखेगा। बात समझ में आ रहे हैं? अगर आपके अंदर स्वदेशी का भाव जगेगा तो विदेशी ताकतें अपने आप कमजोर होगी। स्वभाषा को प्रमुखता दीजिए, अन्य भाषाओं को आप पढ़िए सीखिए, निषेध नहीं है। मनुष्य को अवसर अनुकूलता के अनुसार अधिक से अधिक भाषाओं को जानना और सीखना चाहिए, लेकिन प्रयोग अपनी भाषा का कीजिए। इस समय देश का बड़ा गौरव है कि ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भी केवल हिंदी का प्रयोग किया। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहां आज भी उनकी सारी शिक्षा उनकी अपनी भाषा में होती है। ये भारत है जहां आज भी अंग्रेजी माध्यम का बोलबाला दिखता है। हिंदी माध्यम में लोग बड़े अपने आप को कमतर आंकने लगते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जहीं हम कमजोर हैं। अंग्रेजी बोलने वाला थोड़ा ज़्यादा साहब बन जाता है और हिंदी बोलने वाले को कोई नहीं जानता, भले वो अंग्रेजी बोलने वाला अकल से पैदल हो। ध्यान रखिए, आपके जीवन का स्तर अंग्रेजी बोलने से नहीं सुधरता, आपके जीवन का स्तर आपके संस्कारों में पलता है। संस्कारों को ठीक रखिए, भाषा और व्यवहार सही होना चाहिए, अपनी भाषा को प्रमुखता दीजिए। हाँ, जहां सामने वाला हिंदी समझने में असमर्थ हो, गैर हिंदी भाषी के सामने आप उसकी भाषा में बात करें तो समझ में आता है, और हिंदी समझने वाले को आप अंग्रेजी में बोले तो आपकी क्या मानसिकता है। सारे शोध बताते हैं कि जो बातें व्यक्ति अपनी मातृभाषा में सीख सकता वो दूसरी भाषा में नहीं सीख पाता, जो बातें व्यक्ति अपनी मातृभाषा में सीख सकता वो दूसरी भाषा में नहीं सीख सकता, क्योंकि व्यक्ति अपनी मातृभाषा में ही सपना देखता है, अध्ययन सुगम होता है। गुरुदेव का संदेश पूरे देश को रहा कि हम हिंदी और स्वभाषा को बढ़ावा दे। उनके जाने के बाद आप सबका, हम सबका एक कर्तव्य है कि हम उस स्वभाषा को बढ़ावा दे। सरकार को भी इस पे ध्यान देना होगा, बहुत कुछ होने लगा है। मुझे मालूम पड़ा मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां मेडिकल की पढ़ाई में भी हिंदी माध्यम की शुरुआत हो गई। मेडिकल की पढ़ाई में ये बड़ी क्रांति है, मैं तो समझता हूँ इंजीनियरिंग में भी ऐसा हो जाए और इसका अनुकरण अन्य राज्य, अलग से माध्यम हिंदी हो गया और अच्छे परिणाम आ रहे हैं। ये जानकारी अभी मुझे सरकार के प्रतिनिधियों ने दिया, तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। आप लोग भी इस दिशा में आगे बढ़े, स्वभाषा कम से कम प्रयोग में तो लाए। आचार्य ने कहा था एक बार, एक परिवर्तन का प्रतीक बनेगा शुरुआती उदाहरण, सिग्नेचर करना बंद करें, हस्ताक्षर करना प्रारंभ करें। कितने लोग हैं जो चाहेंगे कि हम सिग्नेचर की जगह हस्ताक्षर करेंगे? कितने लोग हाथ उठा? बैंक खोलते ही बैंक में एक एफिडेविट दो और अपने सिग्नेचर को बदलो, हस्ताक्षर लो। सब जगह दस्तावेजों में परिवर्तन करो,
करना पड़ेगा, चेंज करना होगा, थोड़ी सी मशक्कत होगी, लेकिन संदेश गहरा होगा। या नहीं कर सकते? बोलो कितने लोग हैं बैंक में भी परिवर्तन करेंगे? हाथ उठाओ, देखें, उठाओ, डरने का क्या काम, पहला काम, सब लोग उठाओ। अभी भी बहुत लोग हाथ बांधे बैठे, साहब लोग हैं, क्या कठिनाई है इसमें, उठाओ हाथ। ये शुरुआत है, लेकिन मुझे मालूम है मानसिकता ऐसी गुलाम हो गई, जज्बात नहीं जगता मन में, तब तक परिणाम नहीं घटता। अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें तो करना ही पड़ेगा, ये प्रयास करना चाहिए, ये पुरुषार्थ करना चाहिए, तब कहीं जाकर के परिणाम अच्छा निकलेगा। स्वदेशी के बाद स्वभाषा, इसे बढ़ावा दे। गुरुदेव का ये जो राष्ट्रीय चिंतन था वो बहुत व्यापी था। एक आध्यात्मिक संत होते हुए भी उन्होंने जो कर्म किया वो ऋषि कर्म के साथ साथ राष्ट्र कर्म भी बन गया। राष्ट्र तभी आगे बढ़ेगा, राष्ट्र तभी आगे बढ़ेगा, हमें इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। स्वभाषा को प्रमुखता देना सांस्कृतिक निष्ठा की अभिव्यक्ति का दूसरा आधार। स्वरोजगार को बढ़ावा दीजिए, स्वरोजगार को बढ़ावा दीजिए। गुरुदेव का यह दृष्टिकोण, हथकरघा जैसे श्रेष्ठ उपक्रम को उन्होंने प्रारंभ किया, किसके कारण? स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ना। हम ऐसे छोटे छोटे उपक्रमों को बढ़ावा दें, हर समर्थ व्यक्ति अगर स्वरोजगार को बढ़ावा देने लगेगा तो देश अंदर से सशक्त होगा। इसे बढ़ावा देने की कोशिश करना चाहिए और स्वावलंबी बनिए, परावलंबन से बचिए। ये देश को आगे बढ़ाने का एक मजबूत आधार है। दूसरी बात जो मैंने कही, भारत और भारतीयता को प्रमुखता दे। बस मेरे आगे कुछ भी हो, भारत होना चाहिए, मेरा भारत महान। भारत और भारतीयता के प्रति यदि हमारी दृष्टि जगेगी तो चीजें अपने आप हमारे अनुकूल होगी और देश को आगे बढ़ाने के लिए। आज अगर आप अमेरिका और जापान का या फ्रांस का इंग्लैंड का अनुकरण करेंगे तो भारत को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। चीन के पीछे भागोगे तो भारत को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। भारत को आगे बढ़ाना है तो भारत को ही भारत का आदर्श बनाना होगा। जो भारत की प्राचीन व्यवस्थाएं थी, हमने देखा गुरुदेव ने बहुत सारे इतिहास की पुस्तकें पढ़ी, हम लोगों को पढ़ने की प्रेरणा दी, उनने भारत को अच्छे से समझा। हम लोग अपने पुराणों और शास्त्रों में तो पढ़ते ही, बहुत सारे श्रेष्ठ लेखकों ने भारत के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है, उनको आप पढ़ेंगे तो आपका मस्तक गर्व से भर उठेगा, क्योंकि उस समय का चिंतन बहुत व्यापक था। हमें उन्हीं परंपराओं को आत्मसात करके आगे बढ़ने और बढ़ाने की जरूरत है, जिसके बदौलत आगे बढ़ा जा सकता। चूंकि समय होने को है, मैं बात को समेट रहा हूँ। राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, जिसकी बहुत जरूरत है। हमारे चरित्र में राष्ट्र होना चाहिए, राष्ट्रहित होना चाहिए, आचरण और व्यवहार में वो दिखना चाहिए। काका कालेलकर को एक बार सिंगापुर जाना पड़ा किसी काम से। काका कालेलकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बात कह रहा हूँ, जो उन्होंने लिखा, बहुत अच्छे चिंतक थे। सिंगापुर जाना पड़ा, उन्हें एक टैक्सी की जरूरत थी। एक टैक्सी को बुलाया, टैक्सी वाले को आने में विलंब हो गया,
तब तक एक दूसरी टैक्सी गुजरी, उन्हें से रोका और उसमें बैठ ही रहे थे, दो तीन सदस्य बैठ गए थे तब तक उनके द्वारा बुलाई गई टैक्सी आ गई। जैसे ही टैक्सी आई तो जो रास्ते वाले टैक्सी का था जिसको रोका गया, उसने कहा ये टैक्सी आपके लिए आई है, अपना नंबर छोड़कर आप उसमें बैठ। और जो टैक्सी को रोका गया उस टैक्सी वाले से, उसने जो आगंतुक टैक्सी वाले ने कहा नहीं, आप हमारे देश के मेहमान हो, आप हमारे देश के मेहमान हो और मेहमान का सत्कार करना हमारा धर्म है, मुझे आने में कुछ विलंब हुआ, आपके परिवार के कुछ सदस्य इस टैक्सी में बैठ गए, इसलिए उनको उतारना मेहमान का आदर होगा, अनादर होगा, हम नहीं चाहते कि हमारे देश में आए किसी मेहमान का कहीं अनादर हो, ये है चरित्र। और आज अगर भारत में होता तो दो ही लड़ मरते। उसने कहा कि मैं तो ऐसे ही जा रहा था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, आप जैसे व्यक्ति से मिलना हो गया, वो अपना नंबर छोड़ के आया, आपको उसमें बैठना चाहिए। अंत में एक प्रसंग सुना करके मैं बात को समेट रहा हूँ, तीन चार मिनट में बात पूरी हो जाएगी। एक विश्वविद्यालय के कुछ छात्र विनोबा भावे के पास पहुँचे राष्ट्र निर्माण का सूत्र पाने की इच्छा से। विनोबा जी ने उनके सामने कुछ पासे रख दिए, लकड़ी के पासे, और कहा तुम्हें सूत्र बाद में दूंगा, तुम एक काम करो, इन पासों को मिलाओ जोड़ोगे तो भारत का नक्शा बनेगा, लकड़ियों के इन पासों को जोड़कर तुम भारत का नक्शा बना दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा राष्ट्र निर्माण का सूत्र क्या है। क्या था भारत का नक्शा? तो स्केच करना भी सामान्य बात नहीं है, अब लकड़ियों के पासे से स्केच कैसे करें? माथा पच्ची करते रहे, बन नहीं रहा था। एक लड़के ने ऐसी क्रम में लकड़ी को उलट करके देखा पासे को, तो उसमें मानव शरीर की कुछ आकृतियां दिखाई पड़ी, उसे एक एक करके सबको पलटा, तो किसी में उंगलियां थी, किसी में पंजे थे, किसी में हाथ, किसी में कंधा, किसी में पैर, सब में दिखा, तो उसको सूत्र मिल गया। उसने क्या किया, शरीर के अंग तो उसको पता थे, और कहाँ कौन सा अंग, कान की जगह कान वाला हिस्सा लगा दिया, गर्दन की जगह गर्दन वाला, कंधे की जगह कंधा वाला, हाथ की जगह हाथ वाला, छाती की जगह छाती वाला, पेट की जगह पेट वाला, और जांघों की जगह जांघों वाला, घुटनों की जगह घुटनों वाला, पाँव की जगह पाँव वाला, सब जितने जितने थे सब मिला दिया। मिलाने पर एक पूरा आदमी बन गया, और जैसे ही आदमी बना उसने उसको पलटा तो देखा भारत बन गया। आदमी बना उसे पलटा तो पलटते ही देखा इसमें भारत बन गया। तो विनोबा ने सबको समझाया, मंदो राष्ट्र के निर्माण का यही सूत्र है कि राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हो तो व्यक्ति का निर्माण कर दो, मनुष्य के चरित्र का निर्माण होगा तो राष्ट्र का निर्माण अपने आप हो जाएगा। हमारी दृष्टि उसी राष्ट्र निर्माण के प्रति होनी चाहिए। मैं यही संदेश आज पूरे देश और देशवासियों को देना चाहता हूँ कि हम इन चारों बिंदुओं को आत्मसात करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आज अभय प्रशाल के प्रांगण में जैन अभय प्रशाल स्पोर्ट्स क्लब ने हमसे विशेष रूप से निवेदन किया, और जैन फेडरेशन ग्रुप उनका ये निषेध, जैन सोशल ग्रुप रीजन, जैन सोशल ग्रुप लेजेंड, इनने जो नीलेश वैद और मनोज बाकलीवाल, अनामिका बाकलीवाल के विशेष सक्रियता से और धर्म प्रभावना समिति के विशेष सहयोग से आज आयोजन हुआ है, मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरह आगे बढ़ते रहे, बढ़ाते रहे। और बंधुओं, कल से भावना आयोग का
एक बृहद शिविर इसी प्रांगण में प्रातःकाल 6 बजे से, जिसमें ये जैन मात्र के लिए नहीं, ये जन जन के लिए है, आप सबको उसमें समय पर उपस्थित होना है। 6 बजे से 8:15 तक का सुबह का सत्र होगा और 3 दिन का प्रवचन ना हो करके इसी कार्यक्रम में प्रवचन और भावना योग प्रस्तुत होगा। आप आइए अपने जीवन के परिवर्तन के लिए, आपको बहुत बड़ा सूत्र मिलेगा। जिन्होंने पंजीयन कराया है वे तो आएंगे ही, जो पंजीयन नहीं करा पाए वे भी आमंत्रित है। ये पूरा अभय प्रशाल का प्रांगण भर जाना चाहिए, इसमें कोई सोचने की बात, सभी ये सभी वर्ग के लोगों के लिए यहाँ आमंत्रण करना चाहिए। सभी आमंत्रित है, सभी लाभ लीजिए और लोगों को प्रेरित कीजिए ताकि वे इस भावना योग का प्रयोग कर अपने शारीरिक मानसिक और चैतसिक विकृतियों से मुक्ति पा सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। और इसके साथ प्रतिदिन 3 बजे से 5 बजे तक का एक सत्र होगा, जो भावना योग का सत्र इसी स्थान पर होगा। आज से शंका समाधान ठीक 6 बजे से शुरू हो जाएगा। हम लोग 6:45 यहाँ आएंगे, क्योंकि 7 बजे के बाद हमें अपने स्थान पर आवास निवास पर जाना होगा, इसलिए 6 से 7 जब तक 18 तारीख का कार्यक्रम यहाँ तक पर है, तब तक ये कार्यक्रम शाम को 6 बजे से ही प्रारंभ होगा। इसलिए शंका समाधान में आने वाले लोग उसी हिसाब से आएँ, चैनल पर अपना जो निर्धारित समय है उसी समय कार्यक्रम प्रारंभ होगा। और आने वाले दशरक्षण में जो श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन है, आप सब उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके आप अपना स्थान बना लें। जैसे मुझे जानकारी है, बहुसंख्यक लोगों ने अपना पंजीयन करा लिया है, थोड़े से स्थान रिक्त हैं। स्थान पूरे होने के बाद कहीं आपको निराश न होना पड़े, इसलिए समय पर उसे आप पूर्ण करें। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।